अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का लेक्चर नंबर 4 है। हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के 3 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, दैट इज़ बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, कल का हमारा जो टॉपिक था दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसको रिकैप्चुलेट करते हैं। हमने पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर एक मशीन है, यानी वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, खुद से कुछ काम नहीं कर सकती, ठीक है। इसको जब बाहर से मींस कोई हिदायत मिलती है तो कंप्यूटर काम करता है, और उसके अलावा जिस मकसद के लिए बनाई गई होती है, बनाया गया होता है, वही जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करती है या वही काम करती है। किस तरह की मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है। तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। किस तरह काम करती है? ऑटोमेटिकली काम करती है, राइट। और डेटा को मैनिपुलेट करती है। डेटा मैनिपुलेशन के लिए इसके पास एक मेमोरी होती है, जहाँ पर पहले डेटा स्टोर होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं, फिर डेटा प्रोसेस होने के लिए जाता है, इन्फॉर्मेशन फिर मेमोरी में स्टोर होती है, और फिर हमें इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलता है। और नेक्स्ट इज लॉजिकल फंक्शंस, मींस न सिर्फ ये कि सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है, बल्कि ये लॉजिकल फंक्शंस यानी कंपैरिजन भी कर सकती है, लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अब कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर की तरफ आते हैं। तो हमारा कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर का जो फर्स्ट मेन हमारा पॉइंट है, दैट इज स्पीड। कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा फास्टर देन एनी अदर मशीन डिज़ाइन टू परफॉर्म अ सिमिलर टास्क। मीन्स कंप्यूटर जो है वो फास्टेस्ट मशीन है इस वक्त, जो कि डेटा को प्रोसेस कर सकती है, राइट, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है एक सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट कर सकती है। इट कैन एग्जीक्यूट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन अ सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट टाइम जो है इस एमएस एक्सेल में काम किया था, सिंपल आप अपना एक्सपीरियंस अगर रिकॉल करें तो आप लोगों ने रिजल्ट प्रोग्राम बनाया, ठीक है। उसमें आप लोगों ने स्टूडेंट्स का डाटा एंटर किया था और फिर आपने उसमें कैलकुलेट किया था स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स, उनकी परसेंटेज और ग्रेड को, ठीक है। और आपने सिर्फ एक सेल में, सिर्फ एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड में फॉर्मूला दिया था, और उसके बाद आपने उस सेल को तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के सेल्स की तरफ ड्रैग किया था, तो आपने देखा था कि फौरन जो है वो तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है कैलकुलेट होकर स्क्रीन पे आ गया था, ठीक है। ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल है जो आपने एक्सपीरियंस की हुई है, ठीक है। वरना कंप्यूटर जो है इस तरह की मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो विद इन अ सेकंड परफॉर्म कर सकता है, ठीक। तो कंप्यूटर जो है वो फास्टेस्ट, इसकी मेन कैपेबिलिटी क्या है जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है हम देखते हैं कि अब जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दैट इज स्पीड, राइट। नेक्स्ट कैपेबिलिटी कंप्यूटर की है रेपिटेशन। अ कंप्यूटर कैन टायरलेसली परफॉर्म द सेम ऑपरेशंस मिलियंस ऑफ टाइम्स एग्जैक्टली इन द सेम वे विदाउट गेटिंग बोर्ड एंड टायर्ड। यानी कंप्यूटर जो है उसको आप जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दे दें, एक ही जैसी इंस्ट्रक्शंस दे दें या डिफरेंट, वो टायरलेसली मीन्स बगैर थके हुए एंड विदाउट गेटिंग बोर्ड आपको उसका रिजल्ट या आउटपुट देगा, ठीक है। जिस तरह ह्यूमन के साथ क्या होता है कि अगर वो एक साथ जो है कंटिन्यूसली काम करते रहें तो थक जाते हैं, या फिर एक जैसा काम मिले तो फिर बोर हो जाते हैं और उसके बाद मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं या काम में वो एफिशिएंसी नहीं रहती, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के साथ क्या है कि वो बिल्कुल उसी एफिशिएंसी के साथ और टायरलेसली जो है वो सेम ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है और हमें रिजल्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट कैपेबिलिटी हमारी है एक्यूरेसी, मींस स्पीड और रेपिटेशन के साथ साथ कंप्यूटर क्या करता है, हमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोड्यूसेस 100% एक्यूरेट रिजल्ट। कंप्यूटर जो है वो एरर जनरेट कर सकता है, लेकिन वो एरर जो है बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन एरर होता है। मींस ह्यूमन की तरफ से इंस्ट्रक्शन अगर गलत गई है तो कंप्यूटर जो है वो आपको 100% रिजल्ट एक्यूरेट नहीं देगा। अदरवाइज जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ठीक है, उसमें कोई प्रोग्रामिंग एरर ना हो, इंस्ट्रक्शन में कोई आपसे मिस्टेक नहीं हुई है, तो कंप्यूटर 100% एक्यूरेट रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, फर्स्ट करें आप कंप्यूटर को सिंपल से इंस्ट्रक्शन देते हैं दो नंबर ऐड करने के लिए, 2 और +4। आप एक्सपेक्ट करेंगे कंप्यूटर आंसर इसका क्या दे, 6 दे, ठीक है। लेकिन अगर आपका आंसर 8 आता है तो आपको लगेगा कंप्यूटर ने क्या किया है, इनएक्यूरेट रिजल्ट दिया है।
लेकिन क्या हो सकता है कि आपने जिस वक्त उसको इंस्ट्रक्शन दी है तो बाय मिस्टेक बजाय इसके कि आप प्लस से उसको आपने मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन उसको दे दी, तो आंसर वो क्या देगा, 8। तो वो कंप्यूटर अपने तौर पर तो उसने 100% एक्यूरेट रिजल्ट दिया, लेकिन आपकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शन होगी उसकी वजह से वो एरर अकर हुआ। ठीक है, तो हमारे हमने क्या पढ़ा, कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी है एक्यूरेसी की, उसमें क्या है कि 100% जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। जो है उस केस में हो सकता है कि जब इंस्ट्रक्शन जो है उसको गलत मिली हो, अदरवाइज उसका जो रिजल्ट है वो 100% एक्यूरेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैपेबिलिटी है लॉजिकल ऑपरेशन। द कंप्यूटर कैन मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन सम कंडीशंस एंड टेक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, इसमें भी यही है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है कि वो डिसीजन मेक कर सकता है, उसको कुछ कंडीशंस दी जाएं, जैसे हमने अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, मीन्स लॉजिकल डिसीजंस ले सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर के अंदर कुछ मार्क्स एंटर करते हैं और कंप्यूटर को कंडीशन देते हैं कि अगर मार्क्स जो हैं वो 50 से लेस हैं तो स्टूडेंट को के जो मार्क्स हैं उसका जो रिजल्ट है उसको क्या करें, वो फेल कंसिडर करें, यानी कि फेल डिस्प्ले कर दे, और अगर 50 से अबव हैं तो वो उनको पास जो है वो डिस्प्ले कर दे। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो इस तरह के लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, मीन्स वो मार्क्स जो एंटर किए जाएंगे, इनपुट किए जाएंगे, उनको कंपेयर करेगा 50 से, फिर अगर वो लेस होंगे तो फिर वो फेल डिस्प्ले कर देगा, और अगर 50 से अबव होंगे तो पास डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैपेबिलिटी कंप्यूटर की है स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। द कंप्यूटर कैन स्टोर फैक्ट्स इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन एंड रिकॉल देम व्हेन नीडेड। हमने कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि इसकी अपनी एक मेमोरी होती है, तो उस मेमोरी में क्या होता है, कंप्यूटर जो है वो क्या कर सकता है या क्या करता है, उसमें फैक्ट्स इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और जब ज़रूरत हो उनको रिकॉल कर सकता है। ठीक है, फैक्ट्स क्या होते हैं, हमने शुरू में ही पढ़ा था कि कंप्यूटर के अंदर एनी जो हम एंटर करते हैं, नंबर्स, अल्फाबेट्स, पिक्चर, साउंड, ये सब क्या होते हैं, डेटा होते हैं। ठीक है, हम डेटा के बारे में मज़ीद आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने उसकी डेफिनेशन जो है वो ऐसी नहीं पढ़ी थी, लेकिन सिंपल सी हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। बेसिकली डेटा जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। तो यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं बेसिकली डेटा ही को कहा है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, डेटा को स्टोर कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, और फिर जब इस इंस्ट्रक्शन के बेस पे डाटा प्रोसेस होकर आता है तो वो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन, तो वो भी मेमोरी में स्टोर होता है और उसको रिकॉल कर सकता है जब इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैपेबिलिटी है सेल्फ चेकिंग। द कंप्यूटर वेरीफाइज द एक्यूरेसी ऑफ इट्स ओन वर्क बाय मीन्स ऑफ अ पेरिटी चेक। ओके स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना होगा कि कंप्यूटर के अंदर जो हम डाटा डिफरेंट फॉर्म में एंटर करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जाकर मेमोरी में किस तरह स्टोर होता है और प्रोसेसिंग किस फॉर्म में होती है और हमें आउटपुट किस तरह मिलता है। ठीक है, ये सब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पैरिटी चेक का पॉइंट आया था तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग हो कि कंप्यूटर जो है वो डाटा रिसीव किस फॉर्म में करता है। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को जब हम डाटा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करें कि हम कीबोर्ड के थ्रू ए प्रेस कर रहे हैं, जब हम ए प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो आप देखते हैं कि ये जो इसका केबल जो है वो सीपीयू की तरफ जा रहा होता है, तो ये ए इसी तरह सॉलिड फॉर्म में तार या केबल के थ्रू होता हुआ सीपीयू की मेमोरी में नहीं जाता। ठीक है, बल्कि वो किस फॉर्म में जाता है, वो न्यूमेरिक फॉर्म में जाता है, यानी नंबर के फॉर्म में जाता है। तो इस कैरेक्टर का इक्विवेलेंट नंबर क्या है, 65, मीन्स 65 नंबर एंटर होता है, लेकिन ये 65 जो नंबर है वो भी डेसिमल फॉर्म में इनपुट नहीं होता, बल्कि किस फॉर्म में इनपुट होता है, बाइनरी फॉर्म में इनपुट होता है। ठीक है, मींस 10s की फॉर्म में इनपुट होता है, राइट। हमें मालूम है कि बाइनरी नंबर्स जो हैं वो दो होते हैं, 1 या फिर 0, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये 10s की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, राइट, मींस प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ करंट के थ्रू होती है। मींस अगर प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉनिक करंट की तो क्या होगा, 1 होगा, और एब्सेंस है तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली सिग्नल को जो है वो सिग्नल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी डेटा।
डेटा को, राइट। तो अब क्या चीज़ क्लियर हुई कि हम अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर के अंदर जो डेटा एंटर करते हैं, चाहे वो अल्फाबेटिकल डेटा हो, न्यूमेरिक डेटा हो, पिक्चर हो, साउंड हो, सब कंप्यूटर के अंदर किस फॉर्म में एंटर होते हैं, बाइनरी फॉर्म में, राइट। अब क्या है कि ये जो जब डेटा ट्रांसमिशन होती है, तो डेटा ट्रांसमिशन के वक्त ये पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाएं, मीन्स जो हमारा डेटा है वो सही जो है उसकी ट्रांसमिशन में जो है वो एरर आ जाए। तो इस एरर को डिटेक्ट करने के लिए या एरर को चेक करने के लिए एक पेरिटी चेक का सिस्टम होता है या पेरिटी चेक का प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके जरिए चेक किया जाता है कि डेटा जो है वो एक्यूरेटली जो है वो ट्रांसमिट हो गया है, राइट। उसका तरीका क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम यही डेटा ले लेते हैं, जैसे हमने कैरेक्टर ए की एग्जाम्पल ली है, इसमें अगर आप देखिए तो इसमें कितने वंस आ रहे हैं, दो वन आ रहे हैं, ठीक है, जो ब्लैक से हमने कोड लिखा है उसको चेक करिए, दो वन आ रहे हैं, राइट। तो इसको चेक करने के लिए कि ये डेटा ट्रांसमिशन जो है इसकी एक्यूरेट हुई है या नहीं, इस प्रोसेस में क्या होता है, कोड के वंस को काउंट किया जाता है, इसमें कितने वंस हैं, टू वंस हैं। तो पेरिटी चेक जो है वो दो तरह का होता है, ऑड या फिर इवन, मीन सिस्टम जो है या तो और पेरिटी चेकिंग यूज़ कर रहा होता है या फिर इवन को यूज़ कर रहा होता है। अगर वो और को यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, जो टोटल नंबर ऑफ वंस जो वैल्यू देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दे रहे हैं, टू दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर इसको टू एक इवन नंबर है, राइट, तो इसको और करने के लिए वो क्या करता है, एक पेरिटी चेक बिट ऐड कर देता है, कौन सा, वन। वन ऐड करने से क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, थ्री, विच इज ऑड, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें कि इवन पेरिटी चेक होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर टू वैल्यू थी हमारे डेटा की, तो ऑलरेडी वो इवन था, तो पेरिटी चेक बिट जो है वो कौन सी ऐड होगी, ज़ीरो ऐड होगी, ठीक है। इस तरह जब दूसरी तरफ सिस्टम इसको रिसीव करेगा तो इन वैल्यू को चेक करता है, ठीक है, और अगर वो उसी तरह मिलती है तो ओके, अदरवाइज वो एरर जो है डिटेक्ट करता है, मीन्स इसको एरर करके फिर रीसेंड जो है वो होता है, एरर रीसेंड होता है कि ये डेटा जो है वो एक्यूरेट नहीं है। आई होप ये पेरिटी चेक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो सेल्फ चेकिंग में क्या है, ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर जो है वो पेरिटी चेक की मदद से, जिसको हम एरर चेकिंग भी कहते हैं, या एरर पेरिटी चेकिंग बिट या एरर चेकिंग बिट भी कहते हैं, जो ये ऐड करता है डेटा के एंड में, जस्ट टू चेक के डेटा जो है वो एक्यूरेटली ट्रांसमिट हुआ है या उसकी ट्रांसमिशन जो है वो एक्यूरेट हुई है या नहीं। तो मीन्स ये जो है ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा होता है, ये इसमें मीन्स ह्यूमन जो है या यूज़र जो है उसका कोई इनपुट नहीं होता, ठीक है। तो ये सेल्फ चेकिंग इसकी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी या कैपेबिलिटी जो है वो कंप्यूटर की क्या है, सेल्फ ऑपरेटिंग। द कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ एक्सिक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन इट्स ओन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मीन्स हम कंप्यूटर को एक दफ़ा डेटा दे दें प्रोसेस होने के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए, तो वो फिर ऑटोमेटिकली इंटरनली जो उसके पास इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, उनको एग्जीक्यूट करता है और उसको किसी ह्यूमन इंटरवेंशन मीन्स ह्यूमन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि मशीन जो है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है और वो खुद से कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसमें ये कि जब आपने डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है इनपुट कर दिया, और हम पढ़ चुके हैं कंप्यूटर के मेन कॉम्पोनेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं, तो मीन्स सॉफ्टवेयर इंटरनली पहले से मौजूद है, आपने उसको डेटा दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी कि उसको क्या करना है कंप्यूटर को, तो फिर इंटरनल जो प्रोसेसिंग है वो सब ऑटोमेटिक है, उसके लिए हमें कोई भी मजीद इंस्ट्रक्शन नहीं देनी होती कि जो भी आपने डाटा इनपुट किया, इंस्ट्रक्शन इनपुट किया, वो सीपीयू में जाकर मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, किस तरह सीपीयू में जाएगा और फिर उसके बाद किस तरह से आउटपुट रिसीव होगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली होती है, राइट। यहाँ पे एक पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे बताते हुए मैं क्लियर करना भूल गई थी, आप देखें मैंने आपको बताया था कि हम कीबोर्ड से जब कोई डाटा इनपुट करते हैं तो बाइनरी फॉर्म में इनपुट होता है, मेमोरी में जब वो स्टोर होता है तो भी वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, सारी प्रोसेसिंग उसकी बाइनरी फॉर्म में होती है, लेकिन जब आउटपुट डिवाइस डाटा को रिसीव करता है तो फिर वो उस बाइनरी इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम और आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर थी जो हमने आज पढ़ी, दैट इज स्पीड, रेपिटेशन, एक्यूरेसी, लॉजिकल ऑपरेशंस, स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ ऑपरेटिंग, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क देख लीजिए आप,
कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 3 पे गिवन है, उसको आपने याद करना है अच्छी तरह और अपने रजिस्टर्स में लिखना भी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।